हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन योर पीडीए एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, आज जो नोटिफिकेशन है, एक्सटेंशन हो गई है लास्ट डेट की नेल्को में अप्लाई करने की। नेल्को क्या है? नेशनल एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ओके, अब एक्सटेंशन डेट क्या है, पहले क्या थी, अगर अभी तक आपको नहीं पता है तो एडवर्टाइजमेंट को भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि एक्सटेंशन डेट क्या है। तो एक्सटेंशन डेट की अगर हम लोग बात करें तो पहले थी लास्ट डेट 20th of March, इज एक्सटेंडेड अप टू 22/5/2020। ओके, सो लास्ट डेट है, एक्सटेंड हो चुकी है। सॉरी, ये लास्ट डेट नहीं, एडवर्टाइजमेंट जिस दिन आई थी 20 मार्च को आई थी, अब ये एक्सटेंड होके लास्ट डेट आपके पास मई होगी है, 2 मई तक एक्सटेंड होगी। अब देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन एग्जैक्टली है क्या थी। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आप नोटिफिकेशन को देख सकते हो। यहाँ पे नोटिफिकेशन है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी थी, 120 नंबर ऑफ वैकेंसी थी। मैकेनिकल 45, इलेक्ट्रिकल 29, इंस्ट्रूमेंटेशन 15, केमिकल 9, मेटलर्जी 13, सिविल 5, माइनिंग 4। ओके, नाउ ये कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन है, इसको आप देख सकते हो। क्वालिफिकेशन क्या थी, आपके पास बीटेक होनी चाहिए, 65% जनरल ओबीसी एंड एससी एसटी एंड अदर कैंडिडेट्स के लिए 55% होना चाहिए था। ओके, नाउ अगर हम लोग बात करें यहाँ पे मैकेनिकल डिसिप्लिन में, मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में जिन्होंने बीटेक की अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल एंड पावर इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन में इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकता है, मेटलर्जी में मेटलर्जी इंजीनियरिंग, सिविल के अंदर सिविल, आर्किटेक्चर एंड सिरामिक, माइनिंग के अंदर ये कुछ क्लासेज एंड केमिकल के अंदर ये कुछ ब्रांचेज अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट की बात करें तो 30 ईयर थी, 30 ईयर होनी चाहिए, दैट इज 20th मार्च 2020 तक अगर आप है तो आप अप्लाई कर सकते हो, अगर उससे ज्यादा है तो आप एलिजिबल नहीं हो। नाउ अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है ओनली गेट 2020 स्कोर इज वैलिड। तो मैंने सुबह भी एक नोटिफिकेशन डाली थी IOCL की, उसमें भी 2020, इसमें भी 2020, तो इसमें कॉम्पिटिशन बहुत कम हो जाता है। अब अगर आप चाहते हो कि इसके जो कट ऑफ है उसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो बनाऊं, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करके बताना और इस वीडियो को शेयर करना, हमें ज्यादा से ज्यादा व्यू लेके आने, सो दैट मेरे को भी मोटिवेशन मिले, सो दैट आपको सबसे पहले जो अपडेट है योर पीडीए के ऊपर मिले। ओके फ्रेंड्स, तो इसको शेयर करना आपने वीडियो को एंड लाइक करना ज्यादा से ज्यादा। नाउ जैसे ही आप गेट 2020 के ऊपर स्कोर के ऊपर बेस्ड शॉर्टलिस्ट हो जाओगे, देन आपका पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है। ओके, अब पर्सनल इंटरव्यू योर पीडीए आपको प्रोवाइड करता है, तो उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं पैकेज। तो ट्रेनिंग के दौरान आपका पैकेज 10.52 लाख है एंड ट्रेनिंग के बाद 15.73 लाख पर एनम हो जाएगा। ओके, बहुत अच्छा पैकेज है यार, इसके लिए जरूर आपने अप्लाई करना है। बाकी रिजर्वेशन रिलैक्सेशन वगैरह एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम लोग देखते ही हैं, तो वही है मेडिकल स्टैंडर्ड्स वगैरह। ओके, अब यहाँ पे अगर देखें कहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हो, तो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं पे जाके करना है। एप्लीकेशन फीस कितनी है, 100 रुपीज है आपका एससी एसटी के लिए, एंड अगर हम ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल के देखें तो 500 रुपीज है। ओके, नाउ अगर हम लोग लास्ट डेट की बात करें तो पहले थी 9th अप्रैल, तो 9th अप्रैल से एक्सटेंड होके अब कितनी हो गया, यहाँ पे जैसे हमने देखा 22nd मई हो चुकी है। ओके, सो आपके लिए अच्छा मौका है। अगर आपने मिस कर दिया था बाय एनी रीजन, आपको अपडेट नहीं मिला, आप लास्ट डेट में गए थे, फॉर्म नहीं फिल हुआ, तो बहुत अच्छा मौका है, जल्दी से अप्लाई करो। एंड फ्रेंड्स, इसी तरह की नोटिफिकेशन मिलते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।